कोरोना वायरस के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन के चलते कई जिले में बेसहारा व झुग्गियों में रहने वाले नागरिकों को घर घर जाकर जीवनावश्यक वस्तुओं की किट दी जाएगी, ऐसा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा बताया गया। साथ ही राउत द्वारा संचार बंदी का पालन करने की भी अपील शहरवासियों से की है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान गरीब जरूरतमंदों को दी जाने वाली जीवन आवश्यक वस्तुओं का पालक मंत्री द्वारा जायजा लिया गया। संचार बंदी के दौरान झुग्गियों में रहने वाले व दैनंदिन मजदूरों का रोजगार का सवाल अब निर्माण हुआ है। शासन द्वारा गरीबी रेखा वालों को स्वस्थ अनाज के दुकान से अनाज व अन्य वस्तुएं दी जाएगी, लेकिन इस गुट में न आने वाले लोगों के लिए यह जीवन आवश्यक वस्तुओं की किट का वितरण जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। गेल्या काही दिवसापासून देशात आणि राज्यामध्ये कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव थांबवण्या संबंधाने संचारबंदी करण्यात आलेली आहे। या संचारबंदीमध्ये आपणा सर्वांना डिस्टन्स ठेवून आपला दैनंदिन व्यवहार त्या ठिकाणी करावायचा आहे आणि शक्यतोवर घरातच राहून आपला कारभार करणं सुलभ होईल असा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा। शेवटी आपण या देशाचे आणि राज्याचे नागरिक आहात, आपली सुरक्षा करणं आपल्या स्वास्थ्याची काळजी करणं हे शासनाचं काम आहे। त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेले जे नियम आहेत त्या नियमानुसार जर आपण वागलात तर निश्चितपणे आपण कोरोना या महायुद्धाशी दोन हात करून याला संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करू। आज आम्ही काही निर्णय या ठिकाणी या निमित्ताने घेतले आहेत। मी धन्यवाद देऊ इच्छेन पहिल्यांदा सोलार इंडस्ट्रीजला। सोलार इंडस्ट्रीजचे मालक सत्यनारायण नोवाल यांनी 1 कोटी रुपये आपल्या CSR मधून मदतीसाठी आम्हाला दिलेले आहेत। तर क्रेडाई ही जी बिल्डर्स असोसिएशनची संस्था आहे यांनी 10 लाख रुपये आम्हाला या मदतीसाठी मदत सहाय्य म्हणून दिलेले आहेत। या दोघांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। हा संपूर्ण निधी आपल्या नागपूर शहरातील आणि जिल्ह्यातील गोर गरिबांसाठी खर्च करण्यात येईल। जीवन आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को मिले इसके लिए उद्योजकों द्वारा भी सकारात्मक पहल की गई है। इस पहल में निधि उपलब्ध किया गया है तो सोलर उद्योग समूह के मनीष सत्यनारायण नोवाल द्वारा 1 करोड़ रुपयों का चेक पालक मंत्री राउत को सुपुर्द किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।